फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शाही दम आलू की रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होती है, कभी भी अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में बनके ये तैयार हो जाती है। बड़ों के साथ साथ ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शाही दम आलू की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ बॉयल आलू लिया है और यहाँ हमने लिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। तो सबसे पहले हम यहाँ बॉयल आलू को फॉक यहाँ हमने लिया, इससे हम छेद कर लेंगे हल्का हल्का सारे आलूओं को। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको छेद कर लेना है। फ्रेंड्स, दम आलू का सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, पूरे आलूओं को आपको ऐसे छेद करना है, उसके बाद इसे फ्राई करना है, जिससे आलू अच्छे से फ्राई होंगे और ग्रेवी में पकाने के टाइम मसालों का टेस्ट अंदर तक इसमें जाएगा, जिससे दम आलू और भी टेस्टी लगेगा खाने में। सारे आलूओं में हमने छेद कर लिया, अब इन मसालों को हम आलूओं में मिलाएंगे। मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने तेल डाला है जो गर्म हो चुका, अब इसमें हम आलू डालेंगे। हो चुके हैं, इन्हें हमने निकाल लिया है। अब हम और फ्रेंड्स, यहाँ हमने टमाटर, प्याज और लहसुन लिया है, जिसे यहाँ हमने प्याज टमाटर और लहसुन लिया है जिसे हम अब ग्रेवी के लिए हमने यहाँ लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन और काजू। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देते तक हम पकाएंगे। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इसे हम प्याज और टमाटर के साथ ही डाल के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ हमने एक कप दही लिया है, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया जिससे कि ग्रेवी में डालते टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला हुआ है। आप सरसों के तेल में दम आलू बनाए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। यहाँ हमने जीरा लिया है, तड़के के लिए हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद हम इसमें हींग डाल रहे हैं, हींग डालने से दम आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ हमने दो प्याज बारीक काट लिया है और हरी मिर्च, इसे अब हम डालेंगे। और इसे हम गुलाबी होने तक पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हमने जो मसाले पकाए थे उसका पेस्ट हमने बना लिया, अब इसको हम प्याज में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम दही का जो पेस्ट बना के रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे फ्रेंड्स हमें लगातार चलाते हुए मिक्स कर चल, जिससे कि ग्रेवी में डालते टाइम दही फटे नहीं। अब यहाँ हमने मसाले लिए हैं, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जिसे हम दही में मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला हुआ है। आप सरसों के तेल में दम आलू बनाए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। यहाँ हमने जीरा लिया है, तड़के के लिए हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद हम इसमें
हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से दमालू का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। क्या हमने दो प्याज बारीक काट लिया है और हरी मिर्च इसे अब हम डालेंगे। गुलाबी होने तक पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाले पकाए थे उसका पेस्ट हमने बना लिया। अब इसको हम प्याज में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम दही का जो पेस्ट बना के रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे फ्रेंड्स हमें लगातार चलाते हुए चलाते हुए इसे हमें पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दही कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया ये दिख रही है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, गरम पानी ऐड करेंगे फ्रेंड। यहाँ आपको ध्यान देना है, आपको भी गरम पानी ही ऐड करना है जब भी आप बनाएं, जिससे कि दही फटेगा नहीं और ग्रेवी अच्छी होगी। ग्रेवी में हल्का उबाल आने लगा है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तक दिख रहा है। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स तैयार हो गई है हमारे शाही आलू दम की रेसिपी। फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो गई हमारे शाही आलू दम। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में लगता है। तैयार होगी हमारे शाही दम आलू। अब इसे हम प्याज हरी मिर्च और धनिया से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ही बढ़िया ये दिख रहा है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।